Dear student, in this practical, you will learn about study on Insulin and Glycemia in type 1 and type 2 diabetes patients through clinical data. First of all, we will discuss insulin and diabetes. Insulin is a hormone which regulates blood sugar or blood glucose. Diabetes is a chronic disease which occurs when pancreas does not produce enough insulin. और वेन बॉडी कैन नॉट एफिशेंटली यूज इंसुलिन तो डायबिटीज़ इसकी हमारे पास दो टाइप्स आती हैं इनको टाइप वन एंड टाइप टू के नाम से बुलाया जाता है टाइप uh, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज टाइप वन अब इसमें होता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम हमें डिफरेंट फॉरन इनवेडर्स जैसे बैक्टीरिया या वायरस की बात करते हैं इनके अटैक से होने वाली डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है बट सम टाइम कुछ इस तरह से होता है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उन्हें फॉरन इन्वेडर कंसीडर करने लग जाता है और उन सेल्स पर अटैक करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं आटो इम्यून डिसऑर्डर तो टाइप वन में भी कुछ इस तरह से ही होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो पेंक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो बीटा सेल्स हैं उन पर अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसके रिजल्ट में बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो जब बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो वो अपना तो उसका फंक्शन भी नहीं होगा तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल में फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी ग्लूकोज लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा ये तो होगी टाइप वन अब हम बात करते हैं टाइप टू की टाइप टू में बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है पेंक्रास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है प्रॉब्लम आती है बॉडी उस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रही तो जब बॉडी में इंसुलिन यूज़ ही नहीं हो रही उसका फंक्शन ही परफॉर्म ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो इसमें भी क्या होगा ग्लूकोज़ जो है वो एफिशेंटली यूज़ नहीं होगी तो इस तरह से भी बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो फ्लक्चुएट कर जाएगा तो ये दोनों केसेस इंसुलिन का ना बनना या इंसुलिन बन रही है उसका यूज ना होना ये दोनों जो हैं ये रीज़न हो सकती हैं डायबिटीज़ की अब हम बात करते हैं ग्लाइसीमिया ग्लाइसीमिया क्या है तो ग्लाइसीमिया क्या है ये एक कंसनट्रेशन है ब्लड के अंदर शुगर की इसकी भी टाइप्स हैं दो टाइप्स आ जाती हैं हाइपर एंड हाइपोग्लाइसीमिया अब हाइपरग्लाइसीमियम इसमें क्या होता है कि बॉडी में ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है और रीज़न वही है कि इंसुलिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही प्रोड्यूस नहीं हो रही या यूज़ नहीं हो रही तो इस केस में जो ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में वो ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है इसके डिफरेंट साइंस हैं जिससे पता चल जाता है कि जो सब्जेक्ट है जो पेशेंट है उसकी बॉडी ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है या उसको हाइपर ग्लैसीमिया हो रहा है जिसमें पेशेंट को बहुत से प्यास लगती है वो ज़्यादा पानी पीता है जिसके नतीजे में यूरिनेशन फास्ट हो जाती है प्रॉपर तरीके से पेशेंट को नज़र नहीं आता चक्कर आते हैं इसके अलावा कंसंट्रेशन जो है किसी भी चीज़ पे फोकस वो ठीक नहीं रहता समाइम जो पेशेंट हैं बेहोश हो जाते हैं या इवन कोमा में भी चले जाते हैं तो ये कुछ साइन हैं पेशेंट में जो बताते हैं कि ब्लड लेवल जो है वो इसमें पेशेंट में राइज कर रहा है अब बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है इसमें जो शुगर लेवल है ग्लूकोज लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है एक रीज़न ये है कि ये अक्सर उन पेशेंट में होती है जो कि डिफरेंट मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं ग्लूकोज लेवल को बॉडी में नॉर्मल रखने के लिए अब टाइम होता है क्या है कि कोई भी अनप्लैंड फिज़िकल एक्टिविटी आ जाती है या हम टाइम से खाना नहीं खाते और इस तरह से बहुत लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ड्रिंक अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो इनमें क्या होता है बॉडी को इंसुलिन कम क्वांटिटी में चाहिए होती है लेकिन वो चीज़ हमें नहीं पता होती बॉडी को इंसुलिन कम चाहिए लेकिन वो चीज़ है जो हम हमें नहीं पता पेशेंट जो है पेशेंट को नहीं पता पेशेंट अगेन मेडिसिन ले रहा है बॉडी को वैसे ही इंसुलिन कम चाहिए पेशेंट ऊपर से मज़ीद मेडिसिन ले रहा है ग्लूकोज को कम करने के लिए तो इस केस में क्या होता है जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा कम हो जाता है तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया होता है इसके भी डिफरेंट साइन हैं जो बताते हैं कि पेशेंट को पेशेंट में जो शुगर लेवल है ग्लूकोज़ लेवल वो नॉर्मल से कम हो रहा है इसके साथ साथ उसका जो फेस है वो बिल्कुल पेल हो जाएगा वीकनेस फील होती है कंसंट्रेशन uh, जो है फोकस जो है वो ठीक नहीं रहता ठंडे पसीने आते हैं और साथ में uh, पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होती है uh, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं तो ये uh, ये वो सिम्स साइंस uh, हैं जो पेशेंट uh, को फील होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में लेकिन इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम साइंस ही उस पेशेंट में मौजूद होने चाहिए इनमें से uh, और ये चीज़ भी वेरी करती है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जिसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो कम है या वो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहा है तो ये डिफरेंट साइन है ये शो करवाते हैं नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन और वो ये है कि वैन वेन इज़ ब्लड ग्लूकोज कंसिडर टू बी वेरी लो और वेरी हाई इन अ बॉडी तो हमारे पास एक रेंज होती है जो रेंज नॉर्मल रेंज कंसिडर की जाती है ग्लूकोज की ब्लड के अंदर और वो है 60 टू 140 फोर्टी ऑफ दस लीटर ऑफ ब्लड तो ये रेंज है अगर किसी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी पर्सन में अगर हम ग्लूकोज़ चेक करते हैं और वो इस रेंज में 60 टू 140 फोर्टी की रेंज में उसकी जो है आ, शुगर आ, आती है ब्लड ग्लूकोज आता है तो वो नॉर्मल है वो वो सब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल है लेकिन अगर शुगर लेवल वन सिक्सटी वन फोर्टी से ज़्यादा हो रही है समटाइम कुछ तो पेशेंट में जो ग्लूकोज लेवल है वो इवन 500 हंड्रेड मिलीग्राम डेस्ट लीटर भी क्रॉस कर जाती है तो अब ये जो है ये ऐसे तमाम पेशेंट हाइपरग्लेमिया शो कर रहे हैं इनमें ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा है इसी तरह से अगर 60 से रेंज कम शो हो रही है जो रिज़ल्ट है वो सिक्सटी जो है सिक्सटी मिलीग्राम ऑफ डेस्ट लीटर से कम शो कर रहे हैं तो ये क्या है इसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो बॉडी का काफ़ी कम हो चुका है तो ये हाइपोग्लासीमिया को शो कर रहा है ओके okay, तो स्टूडेंट अब हम आ, देखेंगे कि किस तरह से हम लोग घरों में नॉर्मली अपने घर में या लैब में हम लोग किस तरह से ब्लड शुगर को चेक कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए ओके okay, स्टूडेंट तो अब हम ब्लड में ग्लूकोज कंसनट्रेशन को मैयर करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए एक ग्लूकोमीटर एक टेस्ट स्ट्रिप लेंसिट और अल्कोहल स्वैप ओके okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपने इस टेस्ट स्ट्रिप को ग्लूकोमीटर के अंदर इंसर्ट करना है इंसर्ट करने के बाद अल्कोहल स्वैप की मदद से आपने अपनी फिंगर को क्लीन करना है ओके okay, नेक्स्ट में हम करेंगे और एक ब्लड का ड्रॉप लेंगे ओके okay. अब वेट करेंगे जब तक आपका जो रिजल्ट है वो प्रोसेस हो रहे हैं। एंड हियर इज अ रीडिंग तो आ, ये हमारे पास आ, फाइनल रिजल्ट है और इसमें क्या है आ, 1.08 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज है बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है ग्लूकोज़ की अगर हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 60 टू 140 फोर्टी मिलीग्राम पर डेसी लीटर तो अगर वन वन फोर्टी से ज़्यादा रिज़ल्ट आपके पास जो होते हैं इट मीन्स दैट जो पेशेंट है उसको जो भी पर्सन है उसको हाइपर ग्लासीमिया है और अगर 60 से जो आपके पास वैल्यू है वो कम आती है रिज़ल्ट कम आते हैं इसका मतलब है कि उस पर्सन में शुगर लेवल जो है वो कम हो रही है और वो Hypoglycemia.